इतना मुश्किल वक्त 71 में भी नहीं था, नहीं था ये सबसे मुश्किल वक्त है इस कौम का। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि सबसे मुश्किल वक्त है तो ये लास्ट चांस है। सर ये जो डॉक्ट्राइंस हैं सारे के सारे, जिससे नया मिस्त्री आ जाता है, जिससे नया ठेकेदार आ जाता है, ये डॉक्ट्राइंस सोचने चाहिए कि ये खुदा के लिए इधर वाले भी सोचे उधर वाले भी सोचे, ये मुल्क हमारा है। जी हाँ, वी शुड नॉट कीप ऑन फाइटिंग। यकीन कीजिए, अगर भाई कीप ऑन फाइटिंग के लिए सोचे, हार्ड पावर ये सोचे कि अगर कौम साथ नहीं है ना तो दुनिया की कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं नहीं हो सकती। और अगर ये सोचें कि दुनिया की कोई कौम नहीं अगर उसकी फौज नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सारे मुझे सुनने वाले हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब हमारे सुन सकेंगे नहीं सुन सकेंगे, लेकिन लीडर्स मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, मेरा यकीन है कि बड़े पॉलिटिशियंस मुझे सुन रहे होंगे, आपको सुन रहे हो, आपके फॉलोअर है सुन रहे होंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखें। आपका सत्यानाश करने के लिए ये काफी होते हैं। ये पीटर के बारे में कहते हैं, ईसा अलैहि सलाम ने एक दफा कहा था पीटर को कि एक ऐसा टाइम आएगा तो मुझे पहचानने से इनकार कर दो, हवारी थे ना करीब। उन्होंने पीटर ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आपका इतना चाहने वाला आशिक हूं, मैं जान दे सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ कि जब वो पकड़े गए, वो जो वाकया पूरे का पूरा जुड़ा किस हुई और उसके बाद पकड़े गए, तो पीटर ने कहा कि कौन है जिसे हम आपको कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसने कहा कौन है, तो वो बात सही साबित हुई, ये इंसान है इतना कमजोर है। अगर ये समझ आ जाए लीडर्स को, ये अगर फर्ज करें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इमरान खान साहब, शाह महमूद साहब, तरीन साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, जमात इस्लामी कौन है जी, सिराजुल हक साहब, मौलाना फजल, ये मेरे लीडर हैं सारे। उसके बाद एमक्यूएम रह गई, क्या नाम है जी आजकल तो खालिद महमूद सदीकी साहब, जितने भी सर सबको खड़ा कर दें। मैं सबसे दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द खुशामदी और आपकी ईगो को पंप करने वाले उनसे बचें। इस मुल्क में अगर कोई भी लीडर जवाल की तरफ गया है तो उसके पीछे दो वजूहत, वन इज ईगो, सेकेंड इज खुशामदी। खुशामदी की ना एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक दफा ना मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ, ब्यूरोक्रेट का ऑफिस, सीनियर थे का रिटायर हो चुके और बड़े वो सख्त एरोगेंट। अच्छा एरोगेंस में ना फिर ज्यादा खुराक चाहिए होती है, ईगो को डबल हो जाता है ना उसमें। तो ऐसा हुआ कि उनका जो था ना वो एक असिस्टेंट, वो फाइलें साइन करवा रहा था, लेकिन वो ऐसे मैं सामने बैठा हुआ था, वो ऐसे ऐसे चली जा रहा, तो वो उनको ना डकार आ गया, डकार आ जाते मैं पीरो तो डकार आ जाए, वो डकार आया तो एकदम उसे छोड़ कर सर वाह 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 डकार में तरीफे शुरू कर दी। आपने सर ये हार्वर्ड से सीखा था अली भाई, मैंने अपना हंसा मुश्किल से कंट्रोल किया और साहब ने हूं किया उल्टा, साहब ने ये नहीं कहा चुप कर, उनको आदत पड़ चुकी थी खुशामद सुनने की, उनका हूं अगला साइड यार मैंने ये डकार मारना भी हार्वर्ड से सीखा था। इस कदर लोगों में अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है। तो गुजारिश ये है कि मैं अगर इन बातों को सामने रखूं तो मैं पहले थीसिस बता चुका हूं, ये सारे मेरे लीडर हैं यार, ये सारे मेरे लिए काबिलियत है। गुनाहगार कौन है कौन नहीं है इसका ना मुझे अपना पता है, मुझे चले अपना पता होगा लेकिन मुझे अपने बाप का भी नहीं पता होगा यार, ये तो अलग पता है, ये तो रोजे क्यामत फैसले होंगे। रह गया मुल्क के लिए ठीक कौन है, तो मैंने बता दिया इसका जवाब भी कि सब में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं। रह गया ये कि एवोल्यूशन तो बड़े मार खा के ऊपर आ गए हैं, बड़े मार खा रहे हैं वो समझ जाएंगे। फिर रह गया जवाब ये कि इनमें से ठीक कौन है, तो ठीक वर्ड नहीं है, रेलिवेंट वर्ड है, दुनिया में रेलिवेंट होता है, जो रेलिवेंट होता है ना वही सोल्यूशन होता है। तो अल्लाह करे कि ये जो एक प्रोसेस चल रहा है सारे का सारा, इसमें कोई बेदी आ जाए। सो रेलिवेंसी की बात जो है, आजकल रेलिवेंट कौन है, क्या पाकिस्तान में भी बदलते वक्त और हालात के साथ रेलिवेंसी डिफाइन नहीं होती कि रेलिवेंट आज हम समझते हैं कि ए लीडर है, पांच साल बाद हमारी रेलिवेंसी चेंज हो जाती है, ये मुल्क की और पब्लिक की रेलिवेंसी है या कोई सर्टन एक ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट है जिनकी कोई रेलिवेंसी है, ये रेलिवेंसी को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन देखिए। देखिए रेलिवेंसी ना, रेलिवेंसी होती है सोल्यूशन। मैं आपको वन लाइनर सोल्यूशन दे रहा हूं, सोल्यूशन तो जमहूरियत है, सोल्यूशन तो पब्लिक ओपिनियन है, सोल्यूशन तो पब्लिक फॉलोइंग है, सिंपल। अब बात यह है कि ये एक ऐसा वक्त आ गया कि जिसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर एक्सट्रीम्स पे चली गई। हम एक्सप्लेन कर दूं कॉमास में कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है।
हार्ड पावर होती है अल्टीमेट पावर, अथॉरिटी, जहां से पावर्स निकल रही होती है। यानी अगर वो ना चाहे तो डीसी भी नहीं हो सकता, कोई जज नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, वो हार्ड पावर्स है। ये सारी जो हार्ड पावर्स में बैठे हैं ये भी उसी हार्ड पावर की वजह, इसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आसान जुबान में कह रहे हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब जिसे लोग चाहते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग उसको जो ना फॉलो करने लग पड़ते हैं, लोग उसके नारे, लोग उसको कंधों में बिठा लेते हैं। ये एक ऐसा मुश्किल वक्त आ गया है जिसके बारे में मैंने ये थोड़ी सी तहकीक की तो पता लगा कि ये इतना मुश्किल वक्त 71 में भी नहीं था, नहीं था। ये सबसे मुश्किल वक्त है इस कौम का। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि सबसे मुश्किल वक्त है तो ये लास्ट चांस है, इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं आया अभी तक, तो ये लास्ट चांस है। इसमें दोनों हार्ड पावर सॉफ्ट पावर इतनी एक्सट्रीम से खड़ी होगी, इट शुड नॉट हैव बीन डन। अब दोनों को क्या करना चाहिए? मैं दोनों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक ये दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये पोजीशंस पे नहीं, आप देखें सर खुद आप, आपका शोभा वकालत है, आप जानते हैं अगर दोनों पार्टी जिद पे आ गई है ना, जी हाँ, वो फिर लड़ाई है, मजीद चलती रहेगी, चलती रहेगी, फिर अदालत से इंसाफ की डेट लेने जाएंगे, डेट लेने जाएंगे, अगली डेट 30-30, 40-40 साल चलते, नस्लें तबाह हो जाती हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टी सोचती हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मुल्क के लिए, सोसाइटी, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे जैसे मैंने हकायक को जाना, मैं अपनी मतलब अपनी कुछ गलतियों का इतराफ भी करूं ना, देखिए बात चीजों में मैं भी गलत था हूं कि सतह ही पता था, मुझे समझ आई कि जिनको हम बुरा कह रहे होते हैं ना बाजू बात या गलत कह रहे होते हैं उनका कसूर नहीं होता, उनको लाने वाले का कसूर होता है। बात नहीं समझ रहे, मेरी नहीं बात समझ रही, यानी मिसाल लीजिए आप मेरी गाड़ी नहीं चल रही, आप मेरा ड्राइवर लीजिए और रस्ते में गाड़ी उसने मार दी है, तो मैं गुस्सा खा रहा हूँ ड्राइवर पे, तो आपने मुझे बताया ही नहीं है कि ये इस्लामाबाद पे नहीं चला सकता, मोटरवे का ड्राइवर नहीं है, लंबे रूट का ड्राइवर, ये लंबे रूट का ड्राइवर ही नहीं था, ये था इछरा जाना चले जाए, ये गड़ीशाह जाना है, बदामी बाग जाना है, उसके लिए ठीक है, मोटरवे पे तो काला शहर काकू नहीं क्रॉस करेगा, नींद आ जाएगी उसे। तो गुजारिश ये है कि सर ये जो डॉक्ट्राइंस हैं सारे के सारे, जिससे नया मिस्त्री आ जाता है, जिससे नया ठेकेदार आ जाता है, ये डॉक्ट्राइंस सोचने चाहिए कि ये खुदा के लिए इधर वाले भी सोचे और उधर वाले भी सोचे, ये मुल्क हमारा है। जी हां, वी शुड नॉट कीप ऑन फाइटिंग, यकीन कीजिए, अगर भाई ये फाइटिंग के लिए सोचे, हार्ड पावर ये सोचे कि अगर कौम साथ नहीं है ना तो दुनिया की कोई एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकती, और अगर ये सोचे कि दुनिया की कोई कौम कौम नहीं अगर उसकी फौज नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 100% ये बिल्कुल ऐसी है, दो अपने हाथ थे, एक बीमारी है एसएलई, मेडिकल की टर्म है एसएलई, उसमें ना अपने जो बॉडी के सेल्स है ना वो अपने आप को खाने लग पड़ते, यानी बॉडी का इम्यून जो है वो खुद ही खाने लग पड़ता, उल्टा बचाने की बजाय, अगर आपके अपने गार्ड, आपके अपने ड्राइवर्स, आपके अपने सब आप पे लूट ले आपको, अपने मार दें तो क्या करेंगे आप? तो अगर अपने ही दोनों हाथ आपस में लड़ पड़े, पीछे मैं इससे कैसे जिताऊंगा इसमें, अगर इस गेम में ये हाथ मेरा राइट वाला जीत गया तो मैं हारा मैं ही हूं, और अगर ये जीत गया तभी मैं ही हारा मैं हारा, इन दोनों केसेस में कौन हारे और हार रही है? हार रही है।